फिर अगेन हम ऐसे पाउडर लेंगे, ठीक है, दोनों तरफ पाउडर लगाएंगे इस प्रकार, कृपया भूलें नहीं, ठीक है, इस प्रकार हम पाउडर लगाएंगे ऐसे। इसमें बहुत सारी चीज़ें, मतलब हम अगर सीखेंगे तो करीबन 150 पॉइंट हैं और कुछ फॉर्मूलाएँ हैं, टाइप टी से लेके, बीपी से लेके, सर्वाइकल से लेके, बैक की बहुत सारी प्रॉब्लम, पार्किंसन, पैरालिसिस, हर चीज़ का इलाज बहुत ज़बरदस्त है और बेहतरीन है। सेम ध्यान रहे, लास्ट टाइम बताया नहीं था, जो मेडुला देंगे वो पहले लेफ्ट साइड में ही देंगे, कोई भी न्यूरोथेरेपी की क्रिया हम चालू करेंगे तो लेफ्ट साइड से ही करेंगे, राइट साइड से नहीं। न्यूरोथेरेपी की मान्यता है कि हमें जो ट्रीटमेंट देना है वो लेफ्ट साइड से ही देना है, ठीक है जी। तो हम कैसे काउंटिंग करेंगे, हाँ जी बताइए, दोनों अंगूठों से कितनी बार काउंटिंग करेंगे, ठीक है जी, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, दोनों हाथों से आठ बार, और बंद पैर में करेंगे तो चार बार, ठीक है जी। फिर सेम, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, उसके बाद में हम इनको क्या देंगे, क्लॉकवाइज, ठीक है जी, क्लॉकवाइज इस तरीके से देखिए, ठीक है, बहुत जबरदस्त, इनको इतना जबरदस्त बेहतरीन स्टिफनेस है, मैं टच कर रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी लकड़ी के ऊपर हाथ लगा रहा हूँ, ये देखिए, ये तो ये देखिए, हाँ जी कितना दर्द है, थोड़ा स्लो स्लो, बहुत तीखा दर्द है इनको, ठीक है जी। इस प्रकार हमने ये किया, स्टार्ट से हाथ से ही करते हैं, हाँ पहले। कोई भी व्यक्ति ध्यान रहे, अगर कोई बोले कि एक दिन में ठीक हो जाएगा तो वो चीज संभव नहीं है, ये क्रियाएं कई दिन तक कंटिन्यू करनी है, दिन में चार बार भी कर सकते हो, ठीक है। इसकी वजह से सिर में भी दर्द आता है, सर्वाइकल की वजह से सर में भी दर्द रहेगा, सर भारी भी रहेगा, आंखें भी भारी रहेंगी, चक्कर भी आएंगे, चक्कर भी आएंगे, गैस भी बनेगी, एसिडिटी भी रहेगी, उसके अलावा हाथों में सुन्नपन भी रहेगा, नमनेस, और उसके अलावा सबसे बड़ी बात क्या है, अगर किसी को सीवियर सर्वाइकल है तो टच करते ही उसको पलटियाँ आएंगी, टच करती पलटियाँ आएंगी, ठीक है जी। इस प्रकार हमने ये इनको दिया, कोई भी पार्ट रह जाता है तो हम उसको दोबारा भी कर सकते हैं इस प्रकार। स्टिफनेस ज्यादा है तो दोबारा तो करना है। यस यस, अगर स्टिफनेस ज्यादा है तो हम दोबारा भी कर सकते हैं। अच्छा, उसी टाइम में मतलब फिर रिपीट, हाँ जी हाँ जी, रिपीट कर सकते हैं उसको क्रिया को, उसके बाद में फिर हम देंगे T1 T2 सेम पोजीशन, ठीक है जी, इसी क्रिया को ऐसे ऐसे दोहराएंगे, ऐसे ऐसे। ठीक है, उसके बाद में फिर हम इनको रमन देंगे, ऐसे सांस लीजिए नाक से, अभी नहीं छोड़नी, फिर 6 सेकंड होने के बाद में मुंह खोल के सामने वाला सांस छोड़ेगा, हाँ जी मुंह खोलिए, सांस छोड़िए, गुड, दूसरी नाक से सांस छोड़िए, ठीक है जी, फिर तीसरी नाक से सांस छोड़िए मुझे, ठीक है जी, तीन बार करनी है, पहला मेडुला, दूसरा क्लॉकवाइज, तीसरा T1 T2, चौथा रमन, सर्वाइकल के लिए दुनिया की सबसे बेस्ट चीज, कहीं भी आप यूज करो, ठीक है, और जो तोड़ फोड़ करिए तो उसके बाद में हम थोड़ा सा रिलैक्स कर देंगे, ठीक है जी, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाएं, हाँ जी, खड़े हो जाओ, गर्दन घुमाओ और बताओ उधर आपको क्या फील हुआ, अभी हल्का फील हुआ, घुमाइए, हल्का फील हुआ, हाथों में क्या था, अच्छा नहीं, अभी कुछ हल्के हुए हाथ आपके, जोर से बोलो, जोर से, अभी हल्के हुए और गर्दन भी ऐसे घूम रही है, आराम से घूम रही है, इनको बहुत स्टिफनेस है, बहुत स्टिफनेस है, हाँ फर्क है इनको, बहुत ज्यादा स्टिफनेस है इनको, ये अगर हम इनको ऐसे करेंगे सर्वाइकल में तो ज्यादा अच्छा रहता है, अन्यथा पीछे ना करें, पीछे ही करें, इधर सॉरी आगे ना करें, उसको हमेशा पीछे करें,
बस।